हाय फ्रेंड्स, मेरे पास ये सैमसंग कंपनी का एक इमरजेंसी टॉर्च था, उसको मैंने मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के लिए ये पिछले वीडियो में मैंने ये COB और ये लोकल एक LED का प्लेट 4 वोल्ट का दिखाया है। इसको वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि इस टॉर्च में मैंने कैसे मॉडिफाई किया है। एक ही स्विच की मदद से ये सारे LED ग्लो हो जाते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन एक एक चालू करके दिखाता हूँ। अभी ये 9 रंग का एक LED है जो कि आप रात में लगा सकते हैं। उसके बाद ये बंद होने के बाद ये आपका थोड़ा सा वार्मिश कलर में एक LED लगाया है, जो कि हमारे ये वार्मिश कलर में ये प्लेट लगाया हुआ है। इसका लाइट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मेरे स्टूडियो के लाइट की वजह से ये आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद ये हमारा फुल इंटेंसिटी पे ये इस तरह का COB लगा है, जिसका लाइट भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टूडियो की लाइट की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। उसके बाद ये थोड़ा डिम है, डिम हो जाता है वही लाइट। तो इसमें मैंने कैसे मॉडिफिकेशन किया है ये आपको देखने के लिए ये पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो का लाइट पूरा बंद करके मैंने अंधेरे में आपको दिखाने की कोशिश किया है कि इसका ब्राइटनेस कैसा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तीनों भी लाइट जला के दिखाया है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना ब्राइटनेस, इस LED का कितना ब्राइटनेस आ रहा है। तो मैं आपको ये डिफ्यूज़र हटा के दिखा रहा हूँ कि इसके नीचे कैसा है। आप देख सकते हैं, ये डिफ्यूज़र के नीचे मैंने 2 प्लेट लगाए हैं, जिसको ये मेटल की प्लेट पे सटा के लगाए, तो इससे ये जब गर्म होगा तो ये इसको हीट के फैला देगा। यहाँ पे पहले मेरे पास जो ये 1 वाट और 3 वाट के जो LED थे वो लगे हुए थे, उसको मैंने निकाल के यहाँ पे स्क्रू की मदद से इन दोनों प्लेट को लगाया है। और आप देख सकते हो, इसमें मैंने जो बल्ब है उसमें 2.2 ओम का एक रेजिस्टर लगाया जो कि क्वार्टर वाट में है, उसमें ये 9 रंग का LED लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों पॉइंट में मैंने LED लगाया और इन दोनों पॉइंट में रेजिस्टर लगाया है, और उसका वायर हमारा अंदर जा रहा है। तो हम इस बैटरी को खोल के देखने वाले हैं कि कैसे इसमें मॉडिफिकेशन किया है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैंने USB माइक्रो USB का चार्जिंग पॉइंट लिखा है। ये LED पुराना ही था, उसको मैंने रखा है इधर, और ये सिलेक्टर स्विच मैंने बनाया है। इसको कैसा बनाया है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, इसको मैंने यहाँ से खोल के जो भी यहाँ पे पॉइंट है उन पर मैंने एक एक वायर निकाला और ये सब रजिस्टर निकाल दिए। तो ये आप 5 रुपये में घर पर ही बना सकते हो, लेकिन आप मार्केट से सिलेक्टर स्विच लाओगे तो ये 20 से 25 रुपये का आपको मिलेगा। इसलिए इस जुगाड़ का यूज़ मैंने इस वीडियो में किया है। तो अब हम इसको खोल के देख सकते हैं, देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है। तो पहले इसमें ये 4 वोल्ट का लिथियम आयन लेड एसिड का सेल आता था, लेकिन हमने अब लिथियम आयन का सेल लगाया है। लिथियम आयन के सेल की वजह से हमको हाई करंट मिल रहा है और इसका बैकअप भी बहुत ही बढ़िया तरह से मिल रहा है। अभी मैं इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने एक TP4056 चार्जिंग बोर्ड लगाया है और उससे ये हमारा LED चल रहा है, और ये एक लिथियम आयन का सेल लगाया है। अभी यहाँ पे मैंने इंसुलेशन टेप का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिलेक्टर स्विच है। इसका कनेक्शन डायग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ से माइक्रो USB से ये हमारा इस TP4056 मॉड्यूल में जा रहा है, और ये हमारा LED ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लो जल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सीरीज में 2.2 का एक 2 वाट में रजिस्टर लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने आपको पास से दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको सीरीज में लगाया है। देख सकते हो, यहाँ पे 2.2 वाट का एक रजिस्टर लगाया है जिससे कि ये हमारा LED डिम हो रहा है। आप इसको नाइट लैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको फुल इंटेंसिटी में लगाने के लिए मैंने डायरेक्ट 4 वोल्ट दे दिया है, तो आप देख सकते हैं इसका इंटेंसिटी बहुत ही बढ़ गया है। उसके बाद ये हमारा 4 वोल्ट का लोकल प्लेट है, ये ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है 4 वोल्ट पे, इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट 4 वोल्ट दे दिया है। किसी भी प्रकार का रजिस्टर का यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद
ये हमारा 9 वाट का बल्ब है। इसको आप रात के समय में चालू रख सकते हैं, नाइट लैंप की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको पहले बंद करके कनेक्शन दिया है, बंद करके मतलब एक कनेक्शन इसका छोड़ दिया है। उसके बाद ये 9 वाट का 9 कलर का LED जल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये वार्म वाइट LED भी लगा सकते हैं, उसको बीच में या इसके प्लेट में लगा सकते हैं, जो कि गोल्डन वाइट कलर में है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने इसका मॉडिफिकेशन किया है, और ये DOB का पूरा डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।